आज से तकरीबन डेढ़ सदी पहले हमारे एक इंसेस्टर थे, करम शाह उनका नाम था, ये ज़मीनें थी उनकी। और तो वो जो मेन टाउन था जो जहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो वो वहाँ से इधर आ जाया करते थे, इधर ही रहते थे, अकेले मेडिटेशन करते थे वहाँ पे। अभी भी उनके वो पुराने दरख्त जो उन्होंने लगाए थे जिनके नीचे वो बैठ के मेडिटेशन करते थे, वो अभी भी हैं। ये वो गाँव है जी कि इसका रबता ही किसी गाँव से नहीं था। यहाँ कोई आदमी अगर बीमार हो जाता था तो उसको कहते थे कि इसको डाक खाने ले चलें। गांव के जो लोग होते हैं उनकी जिंदगियां बहुत सीधी सादी और बड़े ही रासिक किस्म के असूलों के तहत चल रही होती हैं। मैं इस गांव का पहला बंदा हूं जिसने मास्टर्स किया और सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके पुलिस सर्विस में आ गया। जब 20 सालों बाद मैं गांव आया तो मुझे लगा गांव तो उधर ही खड़ा जहाँ 20 साल पहले था। फिक्री और शौरी सतह पर लोग बहुत लो वाइब्रेशनल लेवल पर थे। कोई ख्वाहिश ना थी जिसके लिए जीना था ना। ये बाबा शोर सन ले आया, वो तगे से वह शोर आ, ये शोर चाहिए साड़ी जिंदगी एक से फिर शुरू हुई। 50 साल ऊपरे जाया गए। पहले तो वो हमें देखते रहे हैं कि ये दीवानों का ख्वाब है, कैसे पूरा होगा। जब मैंने बिफोर द ठट्टा सब शूट कर लिया और उसके बाद प्लांट्स आना शुरू हो गए, एट अ टाइम हम 3-3, 4-4 काम कर रहे थे इकट्ठे। ये एक होलिस्टिक काम रहा है, इसमें इन्वायरमेंट पहली चीज़ थी, क्योंकि एक तो गांव का माहौल बहुत ख़राब था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई था, तो यहाँ पे जो है मतलब तालाब वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो लोगों में अवेयरनेस डालना, लोगों को प्लांटेशन की तरफ लेके आना, क्योंकि इन दिस केस अगर हम देखें इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। हज़ारों फूलदार फलदार और सायादार दरख्त लगाने में दिन रात हम जुट गए थे। इलाका गर्म है तो लोगों के लिए स्विमिंग पूल भी ज़रूरी था, उस पे काम हुआ, जौहर के गंदे पानी को निकाल कर वहाँ पर ग्राउंड में उसको बदला जाने लगा, साथ में घरों के वेस्ट डिस्पोजल कलेक्शन का बंदोबस्त करना था, ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए किचन गार्डन बनाने पर भी फिर काम शुरू हुआ। फूड के लिए लोगों के शऊर को बदलने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए मेरे आर्टिस्ट दोस्तों ने मेरी मदद की, उनमें फिल्म मेकर्स हैं, उनमें म्यूजिशन हैं, उनमें राइटर्स हैं, ग्रेफ्टी आर्टिस्ट हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने नक्श उभारे हैं किसी राहगीर के गुजरते हुए दिमाग के किसी छुपे हुए किसी टांगे की कोई बत्ती जरूर जला देगा। सब काम का मकसद ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खूबसूरत बनाना है, और गांव करम शाह एक ऐसे कम्यून का तजर्बा है जिसकी बुनियाद इंसानी खुशी और अबंडेंस पर है। करम शाह के लिए ख्वाब देखा जाए तो जन्नत से कमतर किसी थोड़ी किसी चीज़ पे भी मैं दफा नहीं करता।